हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। आज मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ, वो दिखाती हूँ आपको, और साथ ही आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे यहाँ कितने लंगूर आए हुए हैं। ये देखिए, ये लंगूर बैठे हुए हैं, ये देखिए आपको, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं, कितनी बदमाशी कर रहे हैं, और मुझे डर लग रहा है कि मेरी छत पर भी आएंगे। मैं अब रिपोर्टिंग कर के परेशान हो गई हूँ, और इतना परेशान करते हैं ये, देखिए कैसे बैठे हुए हैं ये। तो ये देखिए, ये कुछ पौधे हैं ना, मैं लाके ऐसे इसमें रख लेती हूँ, टब में रख लेती हूँ, और टब में नीचे थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, आपको दिख रहा हो तो, नीचे थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि ये पौधे सूखे नहीं। और इनको रखा हुआ है, अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ, सुंदर सुंदर पौधे हैं ये। और कुछ ये बड़े वाले हैं, तो शुरुआत चलिए इससे करती हूँ मैं। ये वाला जो पौधा है, ये आप देखते ही हो, ये देखिए, ये है पान का पौधा। अब मैं इसमें ना वीडियो बनाऊँ, देखिए वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, ये देखिए, गर्मी में पान का पौधा ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक आया, मैं लेके आई हूँ, इन दिनों तो ये अच्छा चलेगा। और अगर मैं इसको ठंडक वाली शेड वाली जगह दूँ तो ये चल जाएगा गर्मी में भी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत शौक था इसको लेके आई हूँ। पहले एक बार मैं पान का पौधा लेके आई थी, वो इतना ज़्यादा ना हेल्दी नहीं था बहुत ज़्यादा प्लांट, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और ये शायद मुझे 300 का मिला है, और ये देखिए, और एक ये देखिए, ये लेके आई हूँ, ये अच्छा बड़ा प्लांट हो जाता है। अभी देखिए इसके ये फ्लावर, देखिए कितना सुंदर है, ये बड़ा होके ना पेड़ भी बन जाता है गमले में मैं लगा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फूल इसके, है ना। और ये सारे फ्लावर हैं एक एक, देखिए ये बीच में से, ये देखिए ये स्टेमन दिख रहे हैं ये, और ये जो है ये इसका बीच का ये दिख रहा है पूरा स्टिग्मा स्टाइल वगैरह है सारा, है ना। और ये देखिए, ये है, इसका नाम मैंने लिखा हुआ है, मुझे इसका नाम याद नहीं आता, मैं बार बार भूल जाती हूँ। एक्स से भी है इसका एक नाम, मेरे को, मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी ना तो आपको। ये छोटा सा मिनी ट्री भी बन जाता है, और ज़मीन में लगाओ तो बड़ा पेड़ भी बन जाता है। ये देखिए इसकी ये कलियाँ आई हुई हैं इस पर, ये देखिए खूबसूरत लगा मेरे को ये, मैं लेके आती हूँ, नया है लेके आई हूँ, मैंने कहा आपको इस पर वीडियो बना के दिखाऊंगी। एक ये देखिए, ये पाम लेके आई हूँ, इसका नाम मेरे को इतनी अच्छी तरह याद था, और वीडियो बनाने लगी हूँ तो एकदम से इसका नाम भूल गया मेरे को। मैं वीडियो बनाऊँगी ना जब इस पर केयर वीडियो, तब मैं इसका नाम आपको बताऊँगी। मेरे को इसका नाम इतना अच्छी तरह याद था, बनाना पाम भी कहते हैं इसे। और ये ऐसे ना पंख जैसे, देखिए आपको दिखाती हूँ बेस से, ये ना, ये देखिए बेस ना इसका चपटा है, ऐसे गोल बेस नहीं है, जैसे ऐसे गोल बेस नहीं है, ऐसे चपटा बेस है इसका। ये देखिए ऐसे चपटे निकल रहे हैं ये पत्ते, और ऐसे ना जैसे ऐसे फैलता जाता है ये, जैसे जैसे ज़मीन में लगाओ तो ये बहुत बड़ा 10 फुट ऊँचे तक हो जाता है, और ऐसे फैलता है जैसे मोर के पंख होते हैं ना, उस तरह से ये इसके पत्ते साइड में फैलते जाते हैं। पत्ते हैं तो बनाना जैसे, ये देखिए ऐसे ऐसे फैलते जाएंगे ये। अभी इसके पत्ते ना ज़्यादा हेल्दी नहीं लग रहे हैं मुझे, नर्सरी में पड़ा था, खाद पानी दूंगी तो थोड़ा सा इसमें रौनक आएगी इसके पत्तों में। ये देखिए ऐसे चपटा है ये, ऐसे ऐसे चपटा है, और ऐसे ऐसे निकल रहे हैं सारे फूल एक पॉइंट से, ऐसे चारों तरफ, है ना, पंख जैसे मोर के। तो ये एक बनाना पाम लाई हूँ, ये भी मुझे 350 का ऐसे कुछ दिया है उन्होंने, और ये वाला पौधा जो है वो 150 का दिया है शायद। और ये मेरे पास में ही नर्सरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से लेके आई हूँ। और एक आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, एक ये लेके आई हूँ, ये पौधा लेके आई हूँ, ये है कैलेथिया, देखिए आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा है ये, और ऐसे इसके पत्ते दिखते हैं ऐसे। चलिए ये दिखाती हूँ, ये ऊपर से मैं देख रही हूँ तो ये ऐसा दिखता है, ये देखिए
कैलेथिया है, कैलेथिया भी जो है ना इसको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, ठंड में तो ये बहुत अच्छा चलेगा अभी मेरे यहाँ। और ये महंगा मिला है मुझे, 450 का मिला है ये पौधा मुझे महंगा मिला है। और इसमें एक देखिए ये नीचे फ्लावर भी आना शुरू हो रहा है, ये देखिए नीचे अभी शुरू हो रहा है, ये देखिए बाद में बड़ा होगा तो देखते हैं कैसा होगा। ये देखिए फ्लोरिसेंस निकल रहा है इसमें से, वो पत्ते अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा सुंदर लग रहा है पौधा, बड़ा है, छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसको रिपोर्ट करूँगी। कैलेथिया है, ये कैलेथिया की वैरायटी है। इस पर भी ये जो आपको पौधे दिखा रही हूँ इनको सब पे केयर वीडियो बनाऊँगी मैं। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना ये पौधा, ऊपर से जो हमें व्यू दिखता है आँखों से वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको मैं। साइड से ऐसा है लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो वो वैसा दिखता है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये, और ये देखिए मैं कुछ कोलियस लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं कोलियस ही लेने गई थी और मुझे वो दूसरे पौधे भी मिल गए। ये देखिए कोलियस की अलग अलग वैरायटी है, ये लेके आई हूँ मैं। ये मुझे कोलियस मिले हैं 40 रुपीज़ ईच। ये देखिए इसकी कितने सुंदर पत्ते हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके पत्तों का डिज़ाइन। और ये देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं, ये तो टूट गया है इसका पत्ता, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। अब ये ना लियो भौंक रहा है, हमारे पड़ोस के घर में बंदर बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड देखिए इनको भगा रहे हैं, देखिए ये इनको भगा रहे हैं डंडा लेके पत्थर मार के। आज तो मेरे को लग रहा है कि मेरे कोई ख़राब नहीं कर दे पौधे, अभी कल परसों ही मैंने रिपोर्ट किए हैं इन्होंने ख़राब किए हैं। ये देखिए ये कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, ये अलग डिज़ाइन है देखिए, और ये एक अलग डिज़ाइन है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे थे, जैसे मैंने कहा इस बार गर्मियों में 3-4 साल से चल रहे थे, इस बार गर्मियों में केयरलेसनेस की भेंट चढ़ गए मेरे बेचारे पौधे। ये देखिए कितना सुंदर कलर है, वेलवेटी सा है ऊपर से, कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए। और एक वैरायटी ये देखिए, इसका पूरा कलर रेड है, रेड कलर में है, ये भी था मेरे पास पहले, कितने खूबसूरत हैं ये देखिए, देखिए कैसे अच्छे लग रहे हैं ये। ये वाला तो अभी दिखाया है मैंने जो आपको, इनके कलर्स कितने सुंदर हैं कैलेडियम के। एक ये डिज़ाइन अभी मैंने आपको दिखाया, और एक ये तो वही वाला है, ये मैं दो ले आई हूँ कि थोड़ा जल्दी, ऐसे बहुत ज़्यादा कटिंग लगाऊंगी तो ज़्यादा गमले तैयार हो जाएंगे जल्दी। और एक ये वाला है, ये डिज़ाइन देखिए आपको दिखाऊँ, ये देखिए एक इस तरह का है ये। तो ये 4-5 डिज़ाइन के मैं कोलियस लाई हूँ, और ये सारे इससे पहले भी मेरे पास कोलियस मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, इससे पहले भी कोलियस हैं मेरे पास अलग डिज़ाइन के, वो दिखाती हूँ आप। ये देखिए एक ये डिज़ाइन का, ये मेरे पास पुराना है गमले में लगा हुआ, एक ये डिज़ाइन का है। इसके देखिए थोड़ा पत्ते में बर्निंग आ रही लगती है मुझे इसमें, ये देखिए ये टूट भी रहा है पत्ता, ये इस तरह का डिज़ाइन है। और एक ये डिज़ाइन है देखिए, ये कुछ अलग है जो मैं आज लाई हूँ उनसे, हल्का सा अलग है। ये देखिए उसमें क्या है, ये देखिए उसमें ये बाहर वाला ब्राउन कलर ज़्यादा है और इसमें ये ब्राउन कलर का रंग कम है और पिंक ज़्यादा है। और एक मैं ये लेके आई हूँ मोंडोग्रास, ये देखिए मोंडोग्रास लेके आई हूँ, ये इस तरह से लगता है पड़ा हुआ, देखिए रखा हुआ पड़ा हुआ बोलने की मुझे आदत है, ये इस तरह से लग रहा है। और कोई भी हमें जो कंटेनर गार्डन वगैरह बनाना है या किसी भी चीज़ में ना ट्रे गार्डन बनाना है, वैसे इतना बड़ा तो कंटेनर गार्डन में अच्छा लगता है, और ट्रे गार्डन के लिए इस तरह का मोंडोग्रास छोटा भी आता है वो ट्रे गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है। इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, छाया में चलेगा ये,
और बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन देगा फ्लावर्स के साथ भी, कोई ऐसे फ्लावर जो छाया में उगते होंगे, जैसे मैंने उन पे वीडियो भी बनाई हुई है कि कुछ फ्लावर्स हैं जो कम लाइट में चल जाते हैं, तो उनके साथ इसको कॉम्बाइन करके या वैसे भी एक परमानेंट कोई कंटेनर गार्डन बनाना हो उसमें ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो एक मैं ये लाई हूँ, इस पर भी वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी ये क्या है, कैसे यूज़ हो सकता है, ताकि आप लोग भी यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके आई हूँ, ये देखिए, और मैंने कोशिश की है कि आपको भी दिखाऊं, ताकि आपको भी पता चले अगर आपको पौधे ख़रीदने का शौक़ है। कोलियस का ये बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम, आप ये जो मैं बड़े बड़े कोलियस लाई हूँ ना, थोड़े से इनकी कटिंग्स लगा लूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी प्लांट को। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।